चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट के बारे में प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें 1857 से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। और ये मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करके प्रेजेंट करूँगा, ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ और याद भी रहे। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली, तो मैं 10-10 क्वेश्चन करके करूँगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 1857 के विद्रोह की जड़ें निहित थी। पूछा गया कि द रूट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट ले इन किससे संबंधित थी भाई? स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीतियां थी, या फिर शोषणकारी भूमि राजस्व नीति थी, चर्बी वाले कारतूसों की नीति थी, या ऊपर सभी? देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों की नीति। मंगल पांडे जी ने चर्बी वाले कारतूस जो है वो काटने से मना कर दिया था, और उसी के बाद बैरकपुर छावनी से उन्होंने जो है कि 1857 के विद्रोह को वहीं से शुरू हुआ सब कुछ। उन्हीं की फांसी के बाद 10 मई को जो है मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे जी बैरकपुर छावनी से संबंधित है, पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाही, जमींदार, किसान, या फिर बागान मजदूर? तो सबको पता है एक ही आपका क्या था, सिपाही मूवमेंट था, यानी एक सिपाहियों का जो है रिवोल्ट था, विद्रोह था। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। द रिवोल्ट 1857 हैड इट्स बिगनिंग इन। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, मैंने बताया आपको अभी कि कहाँ से हुई, 10 मई से मेरठ से शुरू हुई थी। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह का प्रभाव था क्या था? भारत में विद्रोह की भावना को कुचल दिया गया, अंग्रेज पूरी तरह से हताश हो गए, अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियों को त्याग दिया, और हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ गई। तो देखिए, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता बढ़ गई, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जहाँ पे बेगम हजरत मैंने लखनऊ से, बनारस से, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने पार्टिसिपेट किया, बिहार से कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया, और बरेली से पूछा जाएगा खान बहादुर खान ने पार्टिसिपेट किया, और नाना साहेब ने पार्टिसिपेट किया कानपुर से, लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया। तो ये जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता बढ़ गई थी, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एंड हेल्ड एट, यानी पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन से प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया था कहाँ से? कराची, इलाहाबाद, लाहौर, या फिर कलकत्ता? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा लाहौर। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपनाया था, अभी जस्ट मैंने बताया, दोबारा पूछा गया क्वेश्चन, लाहौर, ध्यान रखिएगा, 1929 में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था? यानी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नॉट एसोसिएटेड विद द एग्जमिस्ट लीडरशिप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी गरम दल से संबंधित नहीं था इसमें से। लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, या ए ओ ह्यूम? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। हु सेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है? एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, या फिर अरविंदो घोष? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा अरविंदो घोष। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब द लाइफ डिवाइन आपको पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? देखिए, उन्होंने ही कहा था जिनके समय पे जो है कि कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डफरिन, डफरिन के द्वारा ये कहा गया था। एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, कौन हो जाएंगे डफरिन? कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट 1885 में हुई थी। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, या फिर दादा भाई नौरोजी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे अरुणा आसिफ अली। भारतीय गांधी जी के जो है कि अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो अरुणा आसिफ अली के द्वारा शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं 10-10 क्वेश्चन करके प्रेजेंट करूंगा और ये सेशन काफी अच्छा होने वाला है। इसमें तकरीबन 4 से 5 सेशन बनेंगे जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले में 10, दूसरे में 15 और अगले वाले में 20 करके प्रेजेंट कर दूं, ठीक है। नमक सत्याग्रह के महात्मा गांधी के स्वयंसेवकों ने कितने दिनों तक तो पैदल यात्रा की? फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक? 24, 36, 12, या फिर 6? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, 1930 कितने? तो 24, ध्यान रखिएगा, 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो शुरू के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको मूवमेंट और स्ट्रगल से प्रेजेंट करूंगा और वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस यही कहूंगा, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। उसके अलावा मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अन अकेडमी पर फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पर ये कोड दिख रहा होगा Wimbledon14, इस कोड को यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन आपको ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, इन फ्यूचर अगर आपको पेड क्लासेस करनी है तो पेड क्लासेस के लिए भी आपको जो है कि यही कोड यूज करना है, ध्यान रखिएगा।
webdays@14, जिससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा 20% तक डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। टॉप एजुकेटेड टॉप बैचेस, उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस, रेलवे डॉक्टर सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स, रेज हैंड का ऑप्शन है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने तक के सब्सक्रिप्शन से सेम कोड यूज़ करना है webdays@14। उसके अलावा जो है आपको ऑल सेट हो जाएंगे आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। जिस भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में, और तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि 15 क्वेश्चन अगले सेशन में कराऊँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।